स्वाभिमान में आज देखिए, एक तरफ कुणाल मेघना को मनाने में लगे हुए हैं, लेकिन मेघना है कि मानने को तैयार ही नहीं। लेकिन कुणाल भी हार मानने वालों में से नहीं है, वो रूठी हुई मेघना को पूरी तैयारी के साथ मना रहे हैं। वो मेघना को सारी पुरानी बातें याद दिला रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने मेघना को पहली नजर में ही पसंद कर लिया था और देखते ही उन्हें उनसे प्यार हो गया था। मना नहीं रहा था, बेसिकली इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे थे, मैं हो ही नहीं रही थी। बिल्कुल भी इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं कर रहा था मैं, एकदम जो फैक्ट है वो सीधा इसको बोल रहा था, देख प्यार मैं करता हूँ, ठीक है? अब तुझे पता, तू सोच ले कि तू अगर इतना भाव खाएगी और मुझे ट्रस्ट नहीं करेगी तो कहीं मैं हाथ से ना निकल जाऊँ, ये ना हो जाए कि कुणाल थोड़ी दूर हो जाए मेघना से। तो हाँ, एक तरह से धमकी दिया है ना, बहुत प्यारी प्यार भरी धमकी दिया आज इसको। सर ने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था, ऐसा बिल्कुल नहीं है कुणाल, तो उस तरह से एक्ट मत करना। इसने गलत सुना था, पर ऐसा ही बिल्कुल सही सुना था। नहीं आशीष, दिखाने के लिए तो नहीं था, गुस्सा तो इसकी नाक पे रहता है। नहीं था, थोड़ा बहुत ऐसा भी था कि ज़रूरत है मुझे कि कोई मुझे मनाए, यू नो थोड़े नखरे जो होते हैं लड़कियों के, बट जो गुस्से का रीज़न है वो जेन्युइन है। मेघना को गुस्सा बहुत है पर वो ये भी नहीं चाहती कि ये नाराज़ भी हो जाए, वो झगड़ा करना भी नहीं चाहती है, लेकिन नाराज़गी है तो किस पे फ्रस्ट्रेशन निकाले। बेसिकली आपका जो सॉफ्ट कॉर्नर होता है वो आपके पार्टनर ही होते हैं, वो बी इट योर वाइफ और योर हस्बैंड, तो इसके साथ वही हो रहा है, बेचारी इतनी परेशान है। तो एट द एंड आती तो कुणाल के पास, ये डांटती भी उसको है, गुस्सा भी उसी से होती है, प्यार भी उसी से ही करेगी, तो ये हालत है इसकी। अब वो तो देखो राइटर्स पे डिपेंड करता है, मैं तो किसी में भी खुश हूँ, दरार आए प्यार आए सब कर लेंगे एकदम बढ़िया से, राइट? बिल्कुल राइट। वैसे कुणाल मेघना को किस तरह से मनाते हैं ये देखना तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन आप भी हमारे चैनल को ही सब्सक्राइब और हमारे वीडियोज को ही लाइक शेयर और कमेंट करते रहिए।